बहू तने तो के सच संवर के रह के पड़ी। काहे के गांव के सब लोगन के पता चल गए हो कि पाठक जी के घरे नई दुल्हन आ गए हो। इसलिए तो के सच संवर के रह के पड़ी। भगवान अगर चाहिए तो प्रेम के बाबूजी के नाराजगी जल्दी ही दूर हो जाई। ओकरा बाद बहुत बड़ा भोज हुई, पूरा जवार आई। पूनम चला तो हर भाभी के जल्दी तैयार करल जाए। ठीक बा काकी। अच्छा चाचा जी, अब हम चलत बानी, लेकिन जात जात हम लोगों से एक विनती कर रहे थे। चाचा जी, हम चाहत बनी कि जाने अनजाने जो भी गलती भइल है ओके प्रायश्चित खातिर रहुआ हमके एको मौका दी। और चाचा जी, हम शहर से बढ़िया डॉक्टर ले आके सुधा की इलाज कराई, और हमके पूरा विश्वास बा कि सुधा फिर से पहले जैसे ठीक हो जाइए। हंसियां बोली हैं, खेली हैं, कूदी हैं, और अपने जिंदगी में जो खुशी खो चुकल बानी वापस पा जाई हैं, और आप लोग की जिंदगी में फिर से एक बार खुशी लौट आई। अच्छा चाचा जी, अब हम चलत बानी। अरे मंगल भैया, अरे एक मिनट मंगल भैया, अरे मंगल भैया, अरे का भाई तू ऐसे कहीं दौड़ो तो कौन कुकुर कुर दौड़ा ले लस्का तो के। अरे नहीं, हम तोरे घरे से आओ थी। हाँ, वो प्रेमवा है ना, प्रेमवा वो देखली तोरा घरे जात रहा ला। हाँ मंगल भैया, प्रेम हमरे घर आ ले हुआ। हाँ, प्रेम हमरे घरे नहीं आ ले हुआ, उनकर मौत उनकर आके हमरे घर खींच के ले आई बा। अब प्रेम ना पूछे अंजलि के फोन समझ में नहीं आवत की उठाई कि ना। हेलो हेलो प्रेम, कब से फोन बाजा था तो फोन कहे ना उठात रहला। तनी काम में रहे। अच्छा, प्रिया कहाँ है? प्रिया, प्रिया घर पर हो। देखा प्रेम, यहाँ बिल्कुल हमारा मन नहीं लगा था, पता नहीं क्या है, जी बहुत घबरा था। तू लोग जल्दी घर वापस आ जा। तू घबरा मत अंजलि, हम बहुत जल्द आवता नहीं। देखा प्रेम, कहीं ओइजा भांडा ना फूट जाए। देखा अंजलि, तू चिंता मत कर, एजा सब ठीक ठाक चलत हो। अच्छा ठीक है,
हम चुपके से तो के फोन के लिए रनी हाँ एलिए ठे बात ना कर पाई शायद बाबूजी आवत हुए एलिए फोन रखत हैं ठीक है मंगल भैया मंगल भैया।
कंगना, ये सब सुहागन भैला की निशानी हो था। देखा हमारा ऐसा कोनो इरादा ना रहे कि हम सुधा के साथे कोई धोखा करें। सुधा हमार कोनो दुश्मन ना हो, बल्कि उनका साथ तो हमका बहुत हमदर्दी हो। बस अपन गंदी जुबान से हमरे बहन को। मंगल देखा हमार कोनो गलती ना हो, लेकिन फिर भी अगर तहरा के लागत है कि हमें हमार कोनो गलती है तो हम तोरा से अपने गलती की माफी मांगत हैं। हमार कोनो गलती नहीं है मंगल, तोर गलती नहीं के। अरे हमने के दिल की धड़कन बा हमार बहन, तोरे कारण आज धड़कन भी बंद हो गई। हम तोरा के चोर गई। काकी आज भौजी के देख के भैया मूर्छित हो जाइए, है ना? जब जब हमार बहन तोहर नाम लेकर अपन बियाह का बात करे रे, तो जैसे लगे ला कि हमरे काम में कोई जलता कोयला डाल दे रे बाप। और तू कहता हुआ कि हम तोरा के माफ कर दें। के लागत है कि जैसे तू हमार कभी ना हो कोई बात।
तोहरा बगैर जिये की कल्पना भी ना कर सकी। हमरा के अंजलि बना के अपन घर ले जा। अरे तो कुछ समझ में नहीं आता। सही कहा था कि हमें नदी में फेंक दिया जाए, कहा कि ले कैसे जाई जाए, कि वो देख ले तो क्या कही भाई भक्त बा। काम करो हम ना, हम अपने घर जा करके ट्रैक्टर लेके आओ था नहीं, तू लोग यहाँ इंतजार करो ठीक है। मंगल भैया अब हमू चलब घर, अब हमरा यहाँ जाना रहे, हमरा बहुत डर लगा। फड़बड़ी मत करो मंगल, दिन में लाश नदी पे ले जाए के लिए कोनो रिस्क हो जाए, केहू देख ले तो लेने के देनी पड़ जाए। ना 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 हमनी के काम कर जा, एकरा की लाश के पहले झाड़ी में छुपा देवल जाए। रात के जब हम लोग गाड़ी लेके आए तब एकरा के नदी में चल के फेंक देवल जाए। कैसा ठीक बात। हाँ ठीक हो गया। प्रेम फोन कहाँ काट दिया ना मंगल, अब तो हमने का 302 का मुलजिम हो गए नहीं जा, अब तो हमने के आजीवन कारावास हो जाए। अरे छोड़ छोड़ जो हमें देखा जाए, चले यहाँ से पहले। मंगल भैया प्रणाम। जंगल में क्या कर दुआ कोई काम होता हम कर दी। अरे नन्ना कौन काम है बा, तू जा।
अंजलि तू ऐजा बाड़ू, माँ जी तो के नीचे बुलाओ थे, बाबूजी हॉस्पिटल से आगे लाऊ। मंगल कोनो बात नहीं है दाई माँ, इतना पसीना काहे आवता? कुछ ना दाई माँ, अरे बाहर घाम रहा ले लिए इतना पसीना हो गई। मंगल बेटा, हम तो से एक बात कह जात बन। जी बाबूजी, कहीं? मंगल बेटा, अपने बाबूजी के एक वचन दा। कैसा वचन बाबूजी? हमके वचन दा बेटा। देखा मंगल, हम चाहत बनी कि हमारे परिवार और पुरुषोत्तम के परिवार के बीच जो दुश्मनी बा वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। कैसे कि प्रेम यहाँ आए ना, वो जो कुछ भी कहना होकर उन्हें बड़ा अफसोस बा बेटा, वो प्रायश्चित कर चाहत हूँ। और हम हो चाहते हैं कि तू ये सब भूल जा, छोड़ दे दुश्मनी। आज के समय में एगो बढ़िया रिश्ता ढूंढल वैसे न हो जैसे पत्थर पे धूप जमावल। तोरा एक बेकूफी से ये रिश्ता टूट गया। असरे बाजार जोन बेजती भइल तू भइबे कैलस, पर फिर भी हमरा के तोरा से कोनो शिकायत नहीं की। बिल्कुल शिकायत नहीं की। बाकी तोरा के हमरे कपारे पे हाथ धर के क्रिया खावे के परी कि आज के बाद भविष्य में तू कभो दोबारा ऐसे न करू। बोल अंजलि, बोल बेटी बोल। आज के बाद दोबारा ऐसा कभो न करू। बोल बोल बेटी बोल। ठीक है बाबूजी, रहुआ जवन चाहब हम वह करा। अरे प्रेम भैया, देख ले आ। भैया प्रेम भैया, देख ले आ। भैया कहाँ चल गए? पूरा गांव ढूंढ बदली भैया, प्रेम भैया कहीं ना पता चलो। खोजे तो बढ़िया ना। अब हे माँ, आज हम जानबूझ के बहुत बड़ पाप कह ली हैं। आज हम पहली बार अपना बाबूजी का झूठी कसम खा ली हैं। बाकी हम का करी माँ, एकरा सिवाय हमरा पास कोनो दूसरा चारा भी ना रहे। हमरा के माफ कर दी माँ, हमरा के माफ कर दी।
उफो, प्रेम अभी तक घरे का है ना एलन? कहाँ चल गए एलन? फोन करके देखा था ही। अरे मिस कॉल, अंजलि हेलो। हाय अंजलि, तू कैसे ना हो? प्रिया तू कहाँ हो? तू ही सोचा एक पतली के कहाँ होवे के चाहे? बेडरूम में और कहाँ। चुप रहा। अच्छा ये बताओ प्रेम कहाँ हो? हम उनके कब से फोन लगाव थी, बाकी हमारा फोन नहीं क्यों उठाओ तुम? हो फो अंजलि, तू कितना बेवकूफ हो। रोमांस के हसीन पल केहू फोन उठाई का वो तोहर। प्रिया इका बकवास करतु तू। अंजलि वैसे जब तू हमरा के फोन कैले रहलू ना उस समय हम और प्रेम शट अप जलन होत हवे ना। अरे हमार प्यारी गुड़िया एकदम फिकर मत कर, तहार अमानत यहाँ एकदम सही सलामत और सुरक्षित हवे। वैसे तहार प्रेम अभी बाहर गए हवन, जैसे ही वापस आ जाए हम तारा से बात करवा दे। ठीक है अंजलि, एक बात बतावा, तहार बाबूजी की तबीयत कैसन हा? ठीक हवा प्रिया, हमार जी बहुत घबरा था। घबराहट के बच्ची धीरज रखा, सब कुछ ठीक हो जाए। हम और प्रेम जल्दी वापस आ जाए। अच्छा अभी हम फोन रखे थे, बाय बाय। प्रेम भैया आजा, हाल है इनका? हमका जानी कि तुहार प्रेम भैया यहाँ आए ललन की नहीं। हमका ठेका ले ले बनी का तुहरे प्रेम भैया का। ए मंगल ऐसा क्या बोला तू? हमरा बोले ना आया वाला ता देखा मंगल, हम हिजा अपन भाई के खोजे आए बानी। हम केवल इतना जानल चाहता नहीं प्रेम भैया आज रहन कि ना। जब हम एक बार तुसे कह देली कि हमरा के ना ही मालूम तो दोबारा पूछेगा का मतलब है? मंगल केहू से ये तरह से बात कही जला का? राहुल बेटा प्रेम यहाँ आयल रहे लेकिन उनका गईले तो काफी देर हो गई। पता ना चाचा जी, हमरा तो कुछ समझ में नहीं क्या आवत कि का करी का ना करी। चाचा जी हमारा मन तो बहुत घबरात बा। इन्हें घबराए का कौन बात बा बेटा, वो घरे आ जाए हैं। का बताई चाचा कि का है हमरा मन में पाप आवा था? देखा मंगल सच सच बतावा, कहीं तू प्रेम भैया के साथ कौन गड़बड़ तो? देखा राहुल, तू हमरा ऊपर अब इल्जाम लगावत बड़ा। जब हम एक बार तो से कह दे कि हमारे प्रेम और तोरे परिवार से कोनो मतलब नहीं खे तो कोनो मतलब नहीं खे, जा कहीं और खोजा अपने भाई के। तू इतना खिजियात का है के बाड़ा? कहीं तू तो प्रेम के साथ कुछ नहीं कह लेना? मंगल हम तोहसे पूछा था ही। बाबू जी हम आपसे कह दे लेने कि हम कुछ नहीं कह ले बाने।
सावित्री, सावित्री। जी। तोरे हाथ में मेहंदी लगा लो का? काऊ। अगर तू हमके खाना परोस के नहीं दे सका तो हमसे बता दा, हम खुद निकाल के खा ले। लेकिन इनके हाथ का परोसल खाना वाह वाह बेटा वाह। इस समय हो तुम्हार घरे आवे का? बाबूजी हम प्रेम भैया के खोजे गए लेली। प्रेम भैया को न बच्चा हूं मन जो रास्ता भुला जाइए। और फिर तुम्हार माई कहत रलीन कुत शिव चाचा के घरे? हाँ बाबूजी हम शिवजी चाचा घरे प्रेम भैया खोजे गए लेली। पर शिवजी चाचा कहला कि प्रेम भैया उनके घरे से कुछ ही देर में चल गए। अरे तो राहुल, प्रेम अपने को ना दोस्त के घरे चल गए होंगे, उनके फोन कैला हा? बाबूजी दसियों बार फोन कैली पर हर बार उनके फोन बंदा हुआ था। बाबूजी हमके तो लगा था कहीं मंगल प्रेम भैया के संगे कुछ उल्टा सीधा था का? राहुल प्रेम सवेरे से गायब हुमन और तू हमके अभी के बतावत हुआ? बाबूजी हम पूरा दिन उनके खुजली। हाँ तब हमके बताओ में तोके पाप लगत रहल है? बाबूजी हम वो चल रहे थे। नहीं बोला तू रहे दे, हम खुदे देखा थे। अरे पठक जाइए, नमस्ते, बैठिए। कहीं का बात है इतना रात के? हाँ दरोगा जी, हमें को रिपोर्ट लिखवाया है। रिपोर्ट चोरी के, छिनेती के कि डकैती के? नहीं दरोगा जी, अपने बेटा के गायब भइला के। कितना साल का बच्चा? दरोगा जी हमार जवान बेटा प्रेम घरे नहीं आया लंगन। जवान हो तो जरूर कोनो लेगी के संगे भाग गई होई, जाके पता लगावो। दरोगा जी आप ये का कहत हैं? हम चारों तरफ खोज डली लेकिन कोनो खोज खबर ना हो। प्रेम सवेरे से कहाँ गए हुआ कुछ बताओ ना। हाँ दरोगा जी हमसे कहा के गए रहन कि बगल के गांव के ग्राम प्रधान शिवजी पांडे के घरे जाते के वास्ते भी कोनो पते ना चला था। दरोगा जी हमके शक हो कि शिवजी के लड़का मंगल हमरे बेटा के साथ कोनो उल्टा सीधा तो ना कर देलस। दाई माँ इतना रात तक कहाँ रहला बेटा? तोरा पता बना इतना रात तक घर के बाहर ना रहे के चाहिए। दाई माँ हम जानते हैं कि इतना रात के हमके बाहर नहीं रहे के, बाकी आप इतना रात के यहाँ का करते? तोरे इंतजार करत रही बेटा। हम जानते हैं दाई माँ, हम जानते हैं।
चाहत है कि आपसे सुधा का स्थिति नहीं देखल जात बा। हेलिया घर में नहीं रहे चाहला। नहीं बाप, कोनो बात नहीं, हम सब संभाल लें। आप जाएं, जाएं आप सो जाएं। ठीक बा बेटा। ये बात आप विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? केवल शक के आधार पर कोई अपराधी नहीं होता। नहीं दरोगा जी, हम शक के आधार पर ना कहते, हमके पूरा यकीन हो। दरोगा जी, वो हमरे बेटा प्रेम के मारे बदे खोजत रहलन, और जब प्रेम नहीं मिलन तो हमरे घरे में तोड़फोड़ करे लगलन। तोड़फोड़? आप चिंता न करें, हम मंगल से पूछताछ करी था। और एक बात, केहू के गुमसुदगी का रिपोर्ट 24 घंटा बाद दर्ज होला। दरोगा जी, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे थे, आप 24 घंटा के इंतजार मत करें, आप मंगल से एहतियातन पूछताछ जरूर करी। आप लगत हो कि हमरे बेटा के साथ कोनो अनहोनी तो नहीं होगा? आप रिपोर्ट भले ही 24 घंटा बाद लिख ले बल जाई, लेकिन दरोगा जी मंगल से पूछताछ जरूर कर लें। आप चिंता न करी, हम मंगल से पूछताछ जरूर करब। अगर हमें मंगल के हाथ हुई तो बच्चा यादव से ना ही बच सकता। राहुल बेटा प्रेम के पता जरूर चाहिए। सब दोस्तन के तू जाना था हुआ? हाँ माई, हम प्रेम भैया के सब दोस्तन क्या पता लगा लिया, पर प्रेम भाभूजी का मिला? ऐसा नियम कानून है कि 24 घंटा के पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं होता। भाभूजी आप थाना पुलिस?
हाँ राहुल, गैल रली। रिपोर्ट दर्ज करावे खातिर रात भर इंतजार करे के पड़ी। अब भगवान से ही विनती करा कि सवेरे से पहले प्रेम घरे आ जाए। पता नहीं कैसा नांगा छह लड़की का कि घर में पांव रखते ही मुसीबत आ गई। हेलो, प्रणाम माई। खुश रहा बेटा। का करत हो? कहाँ हो? कब तक आयबो? कहाँ के गेल रहलो? कि सहेली के भाई के बियाह में जाते तो चार दिन में लौट आए, फिर इतना देरी काहे के? ऐसे ही माई, तू हम तनी गांव घूमे लगनी है। माई तू फिकर मत करा, हम जल्दी ही वापस आ जाए। गांव बहुत ज्यादा अच्छा है माई, एकदम एकदम साफ सुथरा, हरा भरा, सुंदर और बहुत स्वच्छ हुए। ठीक हवे, अब तो गांव घूम भैलो ना, अब देरी मत कर और जल्दी से लौट आवा। और हाँ, तोरे काले से कुछ कागज आयल बा। ठीक है माई, हम जल्दी आ जाए। प्रणाम। ठीक हो। अंजलि बोला। प्रिया, प्रेम का मोबाइल हमेशा डिस्चार्ज रहता का? अगर उनको मोबाइल हमेशा डिस्चार्ज भी रहता तो तुहरा मोबाइल से तो कॉल कर सके ना। हाँ अंजलि, वो प्रेम ये का करत हुआ? कल से आज तक उनका कोनो अता पता नहीं किया, एक बार फोन भी ना कही ना, पता नहीं कहा उनका फोन भी ना लगा था। अंजलि, पता ना प्रेम कहाँ चल गए हवन, अभी तक घरे नहीं आये हवन।